हेलो वेलकम स्टूडेंट, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर लास्ट टॉपिक। जो हमारा टॉपिक चल रहा था आज की क्लास में, हम उससे से आगे से कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ये देख रहे थे कि नाइदर नॉर का यूज सेंटेंस में किस तरह से। सबसे पहले हम देख चुके थे आइदर और के बारे में, और अभी हम रिसेंट में कंटिन्यू कर रहे हैं नाइदर नॉर के बारे में। हमने ये देखा था कि नाइदर नॉर यूज किस लिए होता है। जैसे अगर हमको चॉइस दिया है सेंटेंस में, तो हम ना तो ये चूज करेंगे ना तो वो, इसीलिए हम लोग नाइदर नॉर का यूज करते हैं। सबसे पहले हमने उसमें देखा था अगर डिड नॉट का सेंटेंस हो, या डज नॉट का, या डू नॉट का हो, या फिर इस तरह से अगर सेंटेंस में अगर हमको लगाना था तो हम किस तरह से यूज करते थे। आज हमको देखना है कि अगर सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट हो, टू सब्जेक्ट हो, या फिर अगर टू वर्ब्स हो, या तो अगर वो एंड के साथ ज्वाइन हुए हो, तो हम लोगों को इस तरह के सेंटेंस में किस तरह से प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्या मेंशन किया है, देयर आर टू ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। मतलब अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग नाइदर नॉर को किस तरह से यूज करेंगे। इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंसेस इन विच नाइदर विल कम बिफोर अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड नॉर विल कम बिफोर अ सेकंड ऑब्जेक्ट, यू हैव टू यूज नाइदर बिफोर अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड नॉर बिफोर द सेकंड ऑब्जेक्ट। मतलब सेकंड में अगर दो ऑब्जेक्ट हो, मतलब सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हो, तो जो पहला वाला जो नाइदर है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, और नॉर जो है वो सेकेंड वाला जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले आएगा। लेट्स लुक ऑन द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स को देखकर हम समझ जाएंगे कि क्या बोला जा रहा है। देयर वॉज नो साइन ऑफ एनीबडी, देयर वॉज नो साइन ऑफ एनीबडी, देयर वॉज नो साइन ऑफ एनीथिंग। मतलब दोनों सेंटेंस कॉमन है, बस ऑब्जेक्ट थोड़ा चेंज हो गया। There was no sign of anybody and there was no sign of anything. मतलब हमको दो ऑब्जेक्ट दिए। अब जब सेंटेंस को नाइदर नॉर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो जो कॉमन वाला कंटेंट है, बस कॉमन वाले कंटेंट को हमको बस एक ही बार लिखना पड़ता है। ये बेसिक रूल है हमारे नाइदर नॉर में। लेकिन ये है कि हम नाइदर नॉर जब लगा रहे हैं तो हमको नो की क्या जरूरत है। जब हम पहले ही नाइदर नॉर लगाने वाले हैं, निगेटिव में एक डालने वाले हैं, तो नो की क्या जरूरत है। तो इसीलिए जब आप इस सेंटेंस को नाइदर नॉर से बनाओगे, तो आप सबसे पहले तो नो को निकालोगे, ठीक है। फिर ये जो भी कंटेंट है, जो कॉमन कंटेंट है, उसको सिंगल लाइन लिखोगे। पहले ऑब्जेक्ट के पहले नाइदर आएगा और दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले नॉर आएगा। तो देखो हमने सेंटेंस किस तरह से बनाया। देयर वॉज अ साइन ऑफ, देयर वॉज अ साइन ऑफ, हमने नो को निकाल लिया। अब पहले ऑब्जेक्ट के पहले नाइदर एनीबडी नॉर एनीथिंग, बन गया। कितना इजी था। क्या किया, बस नो को निकाल लिया। जो कंटेंट कॉमन था उसको सिंगल टाइम लिया है, पहले ऑब्जेक्ट के पहले नाइदर लिया है और दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले नॉर लिया। ओके, लेट्स लुक ऑन अ सेकंड एग्जांपल। आई डिड नॉट फोन हिम, आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर। अब पहले रूल के हिसाब से अगर डिड है, डिड नॉट को तो निकाल लेंगे, डिड है तो डिड के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको वी टू फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड इसमें क्या है, राइट, राइट को वी टू फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन में क्या है, कॉमन में आई डिड नॉट को तो निकालने वाले हैं और इसको वी टू में लिखेंगे, और हिम कॉमन है और इसके बाद बचता है अ लेटर। तो हम जो कॉमन है उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, जो बचा हुआ अदर वर्ड्स में उसको लिखेंगे, और जो भी वर्ब्स है उनको क्या करेंगे, उसके वी टू फॉर्म में लिखेंगे और डिड नॉट को निकाल लेंगे। और जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके पहले नाइदर आएगा और दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले नॉर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई नाइदर फोन Nor wrote him a letter. मतलब पहले ऑब्जेक्ट के पहले उसको क्या किया, did not होने की वजह से V2 में लिया है, और उसके पहले neither लिया है, और दूसरा ऑब्जेक्ट V2 होने की, मतलब did होने की वजह से V2 में लिया है, उसके पहले nor, और बाकी का as it is। तो इस तरह से अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, तो पहले ऑब्जेक्ट के पहले आप neither लोगे, दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले nor लोगे। लेकिन सेंटेंस में याद रखना, देखना उसमें कि उसमें पहले से कोई निगेटिव वर्ड है क्या, डिड नॉट है, नो नॉट, ऐसा कोई वर्ड है क्या, तो आपको उसको पहले रिमूव करना है। जो कॉमन स्टेटमेंट में जो भी कॉमन वर्ड्स होंगे उसको सिंगल टाइम लिखना है, अगर एक्स्ट्रा वर्ड होगी तो आप तो उसको मेंशन करोगे, ठीक है। लेट्स लुक ऑन अ सेकंड स्लाइड। इफ देयर आर टू सब्जेक्ट्स, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, इफ देयर आर टू सब्जेक्ट देन यू हैव टू यूज नाइदर बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड नॉर बिफोर द सेकंड सब्जेक्ट। मतलब अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, तो आप पहले सब्जेक्ट के पहले नाइदर लोगे और दूसरे सब्जेक्ट के पहले नॉर लोगे। तो देखो एग्जांपल में, देयर आर नॉट विलिंग, आई एम नॉट विलिंग, दे आर नॉट विलिंग, आई एम नॉट विलिंग। अब देखो जो अभी तक क्या होता था, कंटेंट सेम होता था, अब इसमें कंटेंट सेम नहीं है। दे आर नॉट विलिंग, आई एम नॉट विलिंग, तो अब सेंटेंस को किस तरह से बनाओगे। अब इसमें क्या बचा है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट अलग अलग है, क्योंकि हमने बोला है सब्जेक्ट हमारा जो है वो डिफरेंट है, तो पहले सब्जेक्ट के पहले नाइदर आएगा, दूसरे सब्जेक्ट के पहले नॉर आएगा।
ऑब्जेक्ट तो सेम ही, मतलब जो वर्ब है वो सेम है, तो हमको बस सेंटेंस को रीमेक करना है, तो सबसे पहले क्या कर लो, नॉट को रिमूव कर लो, ठीक है। आर नॉट और एम नॉट इसमें से मतलब ये निकल जाएगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, नाइदर दे, सब्जेक्ट में क्या आएगा, नाइदर दे, इसके पहले जो सब्जेक्ट था उसके पहले नाइदर दे नॉर आई एम विल, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया। जब हम पहले इसमें देखा कि अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो पहले ऑब्जेक्ट के पहले नाइदर आएगा और दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले नॉर, अगर दो सब्जेक्ट हो तो पहले सब्जेक्ट के पहले नाइदर आएगा और दूसरे सब्जेक्ट के पहले नॉर, ठीक है। अब देखो अगर सेंटेंस में, जैसे अगर सेंटेंस में जो भी वर्ड है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लो वर्ब्स, जो भी एक्शन वर्ब है, अगर वो एंड के साथ ज्वाइन है तो फिर क्या करना है हमको, तो जो सबसे पहला वर्ड होगा उसके पहले नाइदर लिखोगे, जो दूसरा वर्ड होगा उसके पहले नॉर लिखोगे। जैसे यहाँ पे नाइदर नॉर इन सेंटेंसेस विच हैविंग एंड, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एंड है, तो पहले वाले ने इसमें क्या किया, ही डज नॉट लाइक स्विमिंग एंड रनिंग। अब देखो लाइक है, लाइक वर्ब है, अब इसमें स्विमिंग और रनिंग क्या है, एक्चुअली इसमें ये ऑब्जेक्ट्स है और लाइक क्या है, वर्ब है। तो अब देखो दोनों जो है, अभी तक क्या होता था, दो अलग अलग सेंटेंसेस होते थे, लेकिन अभी एक ही सेंटेंस में एंड के साथ दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन किया है, तो इसमें किस तरह से बनेगा, ही डज नॉट लाइक, अब डज नॉट को निकाल लोगे तो भी ऑब्वियसली लाइक को यस यस आई यस लगेगा क्योंकि डज है, तो किस तरह से बनेगा, ही लाइक्स, यहाँ तक ये बन गया। आप इसको रिमूव कर लोगे और इसको यस यस आई यस जो भी है डज के हिसाब से वो लगेगा। उसके बाद जो पहला वाला वर्ड है उसको नाइदर लगा है और एंड को रिमूव करके दूसरे वाले वर्ड के पहले नॉर लगा, तो इस तरह से सेंटेंस चेंज हो गया, ही लाइक्स नाइदर स्विमिंग नॉर। इसमें भी सेम, ही एंड हिज ब्रदर, अब इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट था एंड से कनेक्टेड, अब इसमें सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है, ही एंड हिज ब्रदर वेयर नॉट प्रेजेंट देयर, ही एंड हिज ब्रदर मतलब दो लोगों, मतलब सिंगुलर की बात नहीं हो रही, प्लूरल की बात हो रही, इसलिए वेयर आया है। अब जब इसको सेंटेंस को रीमेक करेंगे तो किस तरह से बनेगा, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, अब यहाँ पे ना तो वो मतलब यहाँ पे सिंगुलर की, मतलब सिंगल पर्सन की बात हुई, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज किया, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज इन वेयर एंड वॉज, क्योंकि वेयर इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लूरल और प्लूरल था इसलिए वेयर किया गया, इसमें ना तो ये ना तो वो मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने वॉज को मेंशन किया, ठीक है। प्रेजेंट देयर, तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हुआ। सबसे पहले क्या देखा, दो सब्जेक्ट के बारे में देखा, अगर दो ऑब्जेक्ट होते तो देखा, अभी एंड से कनेक्टेड थे, पहले इसमें ऑब्जेक्ट थे दूसरे इसमें सब्जेक्ट थे, अब हमको क्या करना है, आइदर और नाइदर नॉर को कंपैरेटिवली देखना है कि किस तरह से हुआ। देखो अगर सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर से, वर्ब के बेसिस पे आइदर और नाइदर नॉर को देखना है हमको, अगर सिंगुलर वर्ब से जैसे एम इज वॉज हैज Likes, goes, tries, पता है ना जो एक्शन वर्ब होते हैं, अगर उनको यस यस आई एस लगा है, जब वो सिंगुलर में होते हैं अगर उसको यस यस आई एस हमको लगाना होता है, लेकिन अगर प्लूरल की बात करें जैसे आर वेयर हैव, तो इसमें जो लाइक गो ट्राई कैसे प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब मतलब जिसको यस यस आई एस है, और ये मतलब जो प्लूरल है जिसको यस यस आई एस नहीं होता है। जैसे इफ देर आर टू सब्जेक्ट देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, मतलब अगर सेंटेंस दिया है आइदर और नाइदर और दोनों में भी, दोनों में सेम है, अगर दो सब्जेक्ट है, अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, फिर हमको उसमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर, मतलब ये इसमें से कोई आएगा। इफ देर इज अ वन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अनदर वाज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें क्या थे दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट थे वहां पे, मतलब दोनों भी सब्जेक्ट जो थे उसके लिए हमको सिंगुलर वर्ब लेना था। अब इसमें क्या है, अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ऐसे केस में क्या लेंगे, देन वी हैव टू यूज अ प्लूरल वर्ब। अब इसमें क्या था, सिंगुलर वर्ब ले रहे थे, इसमें क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, एक सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो जो वर्ब लेंगे हम वो भी प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। बट फर्स्ट सब्जेक्ट विल सिंगुलर एंड सेकंड विल प्लूरल, मतलब यहाँ पे कंडीशन दी है, अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर और एक सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब तो लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, जो पहला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, तभी हम प्लूरल वर्ब लेंगे। तो अब देखो इसके एग्जांपल्स को किस तरह से, मतलब ये सेंटेंस को हम सेटिस्फाई किस तरह से कर रहे हैं, जैसे कि पहला, आइदर ही और हिज फ्रेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आइदर ही और हिज फ्रेंड, अब इसमें क्या है, दो सब्जेक्ट है तो हमने इसमें जो वर्ब लिया है वो सिंगुलर लिया है, ठीक है, आइदर ही और हिज फ्रेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब इसमें नाइदर शी नॉर हर सिस्टर, नाइदर शी नॉर हर सिस्टर मतलब ना तो ये ना तो वो, मतलब जो भी जो सब्जेक्ट है, जो भी वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ये क्या थे, सिंगुलर के, मतलब जो सब्जेक्ट थे, जैसे इस पहले रूल के हिसाब से इफ देयर आर टू सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट है तो हम लोग उसमें सिंगुलर वर्ब लेंगे, जैसे कि हमने ये दो एग्जाम्पल में देखा, ये दो एग्जाम्पल्स में देखा इसमें। अब देखो इसमें क्या है,
देखो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब ये सेकंड रूल के हिसाब से, अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे कि इसमें आइदर श्याम और हिज फ्रेंड, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। हिज फ्रेंड्स मतलब एक से ज्यादा दोस्त होंगे, इसीलिए यहाँ पे कौन सा वर्ब आया है, प्लूरल वर्ब आया है। नाइदर ही नॉर हिज फैमिली मेंबर्स, नाइदर ही नॉर हिज फैमिली मतलब ये सिंगुलर है और इस फैमिली मेंबर्स मतलब ये प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आया है वो प्लूरल है। इसको यस यस आई एस लगा क्या, नहीं, इसका मतलब ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, दिस सीक्रेट। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को आइदर और या नाइदर नॉर को लेकर हम सेंटेंस को कंपेयर कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, सब्जेक्ट और वर्ब के बेसिस पे। तो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।